हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माही की रसोई। तो फ्रेंड, आज हम नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की पापड़ी। तो फ्रेंड, आज को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा स्नैक है, आप इसे चाय के साथ बिल्कुल अच्छे से खा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है एक बाउल। बाउल में हमने 2 कप बेसन लिया है। बेसन में हम अब हल्दी ऐड कर देंगे। इसके बाद 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। फिर इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। फिर इसमें हम थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। फिर हम नमक टेस्ट अनुसार ऐड करेंगे। फिर हम हाथों पे अजवाइन लेंगे और अजवाइन को क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। फिर 1 चम्मच हम कसूरी मेथी लेंगे। कसूरी मेथी को भी हम हाथों पे अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। और फिर हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। और फिर अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। ऑयल हम इसमें मोइन के लिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा पापड़ी बहुत ही खस्ता बने। तो फ्रेंड देखिए, अच्छे से मिक्स हो गई है। हम इन्हें हाथों में लेके मुट्ठी बांधेंगे तो ये मतलब मुट्ठी बंधने लगेगी, तो समझ लीजिए हमारा मोइन अच्छे से लग गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डोर लगाएंगे, एक आटा लगाएंगे। हमें एक साथ पानी ऐड करना ही करना है, नहीं तो फ्रेंड ये गीला भी हो सकता है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और अपना आटा लगाएंगे। हमें इन्हें अच्छे से मसलना है। तो फ्रेंड देखिए, हमारा आटा लग गया है बिल्कुल सॉफ्ट। अब इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर देंगे हम। एक भाग को लेके हम चकले पे रख के इसे अच्छे से बेलन से एक रोटी की तरह बेलेंगे। चकले पे सबसे पहले ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे। अपनी लोइयां इसके ऊपर रख के पहले हाथों से ही हम प्रेस करेंगे, फिर बेलन की मदद से हम रोटियां बना लेंगे। रोटियों को ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। फिर एक कुकी कटर से, चाहे तो आप ग्लास से भी इसे गोल शेप में कट कर सकते हैं। इसे करके हम अपनी सारी पापड़ी को हम कट कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम अपने सारे पापड़ी को फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड, पापड़ी हमारी अच्छे से फूल सी गई है और बिल्कुल ही गोल्डन फ्राई हो गई है। तो फ्रेंड देखिए, हमारी पापड़ी अब रेडी है। आप इसे चाय के साथ शाम के टाइम, ब्रेकफास्ट में, नाश्ते के टाइम पे खा सकते हैं।